शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। क्या हल्का किनारा छोड़ देना चाहिए? लेकिन किनारा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने रहते हुए लोगों से हमें बोलना ही बंद कर देना। नहीं, हम सबकी ही आत्माएं हैं। जो संगठन में रहना चाहती है, एक दूसरे से संस्कारों की रास मिलन करना चाहती है, वहां रास करना आया है तो वो रास के संस्कार भी मिलना, तो दोनों चीज का बैलेंस, एक तरफ किनारा किससे, व्यक्तियों से नहीं, व्यक्तियों से निभाना जरूर है, लेकिन इतना अटैचमेंट भी ना हो जो उसी में फंस जाए। तो डिटैचमेंट और निभाना, ये दोनों का बैलेंस, क्योंकि हम खाली मुक्ति धाम में नहीं, जीवन मुक्ति धाम में भी जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक आंख में मुक्ति तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, तो दोनों व्यवहारिक कुशलता भी हो, क्योंकि जीवन मुक्ति धाम में प्यार, मिठास, संस्कार मिलन, नम्रता, सत्यता, पवित्रता, ये सदगुण भी है सतयुग के लिए, तो उसकी तैयारी, उसके जेवर के सेट तैयार करने। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, बाबा ने कहा हर रोज अलग अलग सेट पहनो, अलग अलग जेवरात के सेट पहनो, कौन से स्कूल नहीं, लेकिन कभी संतुष्टता का ज्वेलरी का सेट पहनो, कभी मधुरता के साथ सेट पहनो, आंखें देखे तो भी मधुर बात वाली बातें, बोले तो भी मधुर बोल बोले, सुने तो भी मधुरता वाले शब्द सुने, कोई कितना